और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कानपुर के दौरे पर पहुंची। उन्होंने राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के 50वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर साध्वी निरंजन ज्योति ने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर अखिलेश यादव को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनके दिमाग में खामियां हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने पूर्वांचल पर कोई ध्यान नहीं दिया। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। सपा की योजना थी तो बनी क्यों नहीं? 5 साल रहे हो सरकार में, पूर्वांचल की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? जबकि पूर्वांचल ने ही तुम्हारे पिता को सांसद बनाया, तुम्हें भी सांसद बनाया, पूर्वांचल की तरफ तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सफाई के इर्द गिर्द ही पूरी विकास की योजनाएं चलती रही, न पश्चिम में गई, न पूर्वांचल में गई, न बुंदेलखंड में गई। उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, 5 साल पूरा होने जा रहा है, और जो दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं अब वो जेल की शरण ले रहे हैं।